नमस्कार दोस्तों, तो जय मां भद्रकाली वाली जय हो, बागेश्वर धाम सरकार की। तो कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, आपका YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एक सफेद झूठ से पर्दा उठने वाला है, परिवार का काला राज सबके सामने आएगा, हो जाइए सावधान। अगले 24 घंटों में जो होगा सहन नहीं कर पाओगे। दोस्तों, आप बड़े भ्रम में जी रहे हो, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती से दोस्तों आपकी सालों की नींदें उड़ने वाली है। लिए अगले 24 घंटों में सितारों ने बड़ी ही अनोखी पलटी मार ली है, जिसके कारण आपका व्यापार, आपकी नौकरी करें, आपका स्वास्थ्य थे, आपके प्रेम संबंध, आपकी आर्थिक स्थिति होती है, सब पर असर पड़ने वाला है। लाए तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जिस घटना का आपको डर था, जिस चीज का दोस्तों आपको अंदर ही अंदर डर सता रहा था, वही चीज होने वाली है। दोस्तों, दोस्त भगवान सबकी सुनते हैं, भगवान आपकी भी सुनेंगे देंगे, लेकिन मन में पाप नहीं होना चाहिए, मन में छल कपट नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, से आने वाला समय आप सभी के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, या तो करो या मरो का समय है। दोस्तों, ऐसे में दोस्तों सितारों की देखा जाए तो आपको अगले 24 घंटों में कई चीजों से बचकर आगे बढ़ना पड़ेगा। वहीं दोस्तों कई खुशियां भी आपको मिलने वाली है, जो है, जो दोस्तों आप चाहते थे, जो दोस्तों आप सोचे थे, वह चीज अब आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर काम आसानी से बन जाएगा, हर काम दोस्तों चुटकियों में बन जाए, जो सोचो वह आपको मिल जाया जाए, तो उसके लिए वीडियो में एक उपाय भी बताऊंगा था। उस उपाय को कहकर कई सारे लोग दोस्तों अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा चुके हैं, जो सोचते हैं उनको वह मिल जाता है। तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखना ना, बीच बीच में मैं सावधानी भी बताऊंगा होगा, और अंत में एक खास अचूक उपाय बताने वाला। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से विनती करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, रोजाना मैं आपको कहता हूँ, और मुझे पता है आप में से कुछ लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। देखिए कि आज आपको कोडोट। दोस्तों मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो लाइव करनी है तो कर दीजिए, ना करने तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो देखें तो जरूर वीडियो को लाइक करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिख लेना, देना जाए कालिका माता, माता रानी का खूब आशीर्वाद आपको मिलेगा। लेगा तो अभी के अभी लिख दीजिए, जय कालिका माता। था आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। दोस्तों समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता है, जो यह समय है कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। दोस्तों उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं, इसलिए ध्यान रखना ना, कभी भी किसी को बेवजह परेशान न करना, कभी भी किसी का मजाक उड़ाना, क्योंकि यह सब चीजें लौट कर आती है अपने पास। दोस्तों आज आप जैसा दोस्त करोगे वैसा ही आपको भी मिलेगा रहेगा। किसी को अगर आप हंसाएंगे तो दोस्तों तो आने वाले समय में भी आप हंस होंगे, अगर किसी को रुला दोगे होगी तो आप आने वाले समय में खुद रोग। बस यह एक समय चक्र है जो सबके पास लौट कर आता है, रहा है। आज आप किसी के साथ अच्छा करोगे होगी तो कहीं न कहीं लौट कर आपके पास वापस से अच्छा हो ही जाएगा आएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को अभी भी लाइक कर दे, और कमेंट में राय जरूर देखते। दोस्तों जो कम है वह कहता है, जो कम है वह कहता है। आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। आइए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुरुजी के छोटे से अनमोल विचार से मित्रों, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं डरता रहता, क्योंकि आपको कब कब कहाँ और किससे मिलना है ये सिर्फ के ऊपर वाला तय करता है। इसलिए मित्रों यदि जीवन में कुछ गलत फैसले हो जाए, कुछ गलत रिश्ते भी जाए, तो घबराइए नहीं, क्योंकि हर रिश्ते की डोर ऊपर वाले के हाथ में होती है, वे उसे संजोना अच्छे से जानते हैं। इसलिए मित्रों हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखिएगा का। तो आइए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय हमें अंतर
मित्रों, आज आपको अपनी सेहत की चिंता करने की जरूरत नहीं है, है क्योंकि आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतरीन बना हुआ है। आपके आसपास के जो लोग हैं वह आपको प्रोत्साहित करेंगे और आपको सराहेंगे। मित्र आपके आसपास के लोग आपकी ऊर्जा में चार चांद लगाएंगे और व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा होने की आपको संभावना बन रही है। मित्रों, उत्तरोत्तर व्यापार में अब बहुत बढ़िया लाभ कमाने में सक्षम हो पाएंगे और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां देने के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को मूर्त रूप देने का बहुत बेहतरीन समय चल रहा है। मित्रों, वे योजनाएं आपको ऊंचाइयों पर लेकर आएगी और फिर आप मित्रों अच्छा खासा लाभ कमाने में भी सक्षम हो जाएंगे। साथ ही बता देते हैं कि परिवार के लोगों को आपको साथ में लेकर चलना है ना है। मित्रों, परिवार के लोगों के बीच इस वक्त पैसों को लेकर कहां सुनी हो सकती है। पैसों पर होगा मित्रों तो हर कोई मरता है, इससे से आज के युग में पैसों की जरूरत नहीं है। है मित्रों, अपने प्रिय से कोई तल्ख बर्ताव न करें और न ही कोई तल्ख बात कही गई है। बता देते हैं कि पैसों के मामलों में आपको परिवार के सभी लोगों को स्पष्ट सलाह देनी चाहिए और बात जितनी जल्दी हो सके बिगड़ने से पहले सुलझाने की आपको जरूरत होगी। मित्रों, उत्तरोत्तर कार्य क्षेत्र में अपने काम में आप प्रगति देखेंगे। आप देखेंगे कि कार्य धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है और अच्छा खासा लाभ आप कमा रहे हैं। समय की नजाकत को देखते हुए आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं, लेकिन ऑफिस के किसी काम के अचानक आ जाने के कारण आप ऐसा करने में सफल नहीं हो पाएंगे। मित्रों, आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है क्योंकि आप उनसे कोई बात साझा करना भूल गए थे और अब वह बात याद आई है तो इस वजह से भी सीधे गत होगी। मित्रों, एक लाल मिर्च 27 मसूर की दाल के दाने तथा 5 लाल फूल लेकर किसी भी हनुमान मंदिर में चढ़ाएं, इससे पारिवारिक जीवन की खुशियां बढ़ने लगेगा। भविष्य के बारे में सोचकर आज आपको अपने निर्णय लेने होंगे और भविष्य के बारे में की गई योजना पर टिके रहना फिलहाल के लिए आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटकर उन पर काम करने की आवश्यकता होगी। खास करके जब बात अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में हो, में नौकरी करने वालों को स्थिरता और आर्थिक फायदा नजर आएगा। यदि आप विवाह से संबंधित प्रयत्न कर रहे हैं तो दूसरों से अधिक खुद की पसंद पर ध्यान दे, शरीर का स्टेमिना बढ़ाने की आवश्यकता होगी। जी हाँ मित्रों, दिन की शुरुआत कुछ घटनाओं की वजह से आपके अंदर चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है और करीबी लोगों का बर्ताव ठीक से जान पाने की कोशिश करें। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपना संयम खोने ना ले आते। जी हाँ मित्रों, दूसरों द्वारा हुई गलती को ठीक करने के लिए आपका अधिक समय व्यतीत होगा और काम की जगह सहकर्मियों के साथ वाद विवाद हो सकता है। आप और आपके पार्टनर किसी एक बात पर सहमत होना कठिन लग रहा है और सेहत से संबंधित छोटी मोटी तकलीफ होती रहेगी। आपके साहस द्वारा कठिन परिस्थिति पर भी आप अपना नियंत्रण बना पाएंगे और लोगों के बीच हो रहे मतभेदों को सुलझाने के लिए आज आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आएगा मन की प्रसन्नता बनी रहने की वजह से जीवन के प्रति सकारात्मकता अभी भी वो रख सकती है और साथ ही काम से संबंधित लिया हुआ बधाई रेफरेंस आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। यदि आप पार्टनर से दूर रहते हैं तो उनसे मुलाकात होने की आशंका बन रही है और पेट में इन्फेक्शन की समस्या सता सकती है। खान पान को योग्य तरीके से ध्यान देना होगा। जी हाँ मित्रों, आज कई सारी बातों की जिम्मेदारियां आपके ऊपर आएगी। हर एक बात पर ध्यान देना आपके लिए अत्यंत आवश्यक बन रहा है। आपके पास सीमित आर्थिक मदद होने की वजह से इस बात को अधिक ध्यान देना है ना यह सोच विचार करके तय करें। व्यापार को आगे बढ़ाने की योजना में आपको धीरे धीरे सफलता मिलेगी। जी हाँ मित्रों, अपने रिलेशनशिप के प्रति अनेक तरह के विचार उत्पन्न होने के कारण दोपहर के बाद बेचैनी महसूस हो सकती है दी है और त्वचा से संबंधित तकलीफ हो सकती है। कोई भी काम शुरू करने से पहले जल्दबाजी न करें। जो लोग आपका सच में साथ देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को परस्पर कर उनसे जुड़े रहने की कोशिश करनी होगी। बेवजह की बातों पर ध्यान देने के कारण मन में
असंतोष पैदा हो सकता है जिन बातों का से संबंध नहीं है, ऐसी बातों के प्रति अधिक ध्यान न दें। आपके मार्गदर्शन द्वारा काम से संबंध गीत भी ही जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आप अपने सहयोगियों को मदद करेंगे और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की हद दर्जे के लिए आपके लिए तकलीफ पैदा हो सकती है। साथ में मित्रों, पुरानी बातों को छोड़कर कर आगे बढ़ने का प्रयास जारी रहेगा, लेकिन कुछ बातों को दिल से निकालना भी आपके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। खुद के द्वारा हुई गलतियों का असर जीवन से निकालने के लिए आज आपको खुद को माफ करना होगा और आपको माफ करना भी सीखना होगा। यदि किसी बात की वजह से पछतावा हो तो अपने बर्ताव से उस बात को बदलने की कोशिश करें। मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी। साथ ही मित्रों, काम से संबंधित एकाग्रता बढ़ेगी और आपका उत्साह भी बढ़ने की वजह से नए काम को सीखने के लिए कि आपके द्वारा की जा सकती है, आप अपने अंदर के कला गुणों को जानने की कोशिश करेंगे। अपने आप को काम से संबंधित बातों में और बेहतरीन इस तरह से किया जाएगा, इस बारे में सोच विचार होगा। काम से संबंधित नई बातों को खुद से ही सीखने की कोशिश करनी होगी और पार्टनर आपस में तालमेल बनाए रखने की कोशिश जारी रखेंगे। देंगे छाती से संबंधित विकार को दूर करने के लिए योग्य डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता होगी। जी हाँ मित्रों, मित्र धीरे धीरे ही सही रही है, लेकिन अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश आपको जारी रखनी होगी। खुद के ऊपर कम आत्मविश्वास महसूस हो सकता है और लोगों की नज़र से खुद को परखना आपके लिए तकलीफ का कारण बनेगा आएगा। आपके अंदर क्या सकारात्मक बातें हैं और उनका उपयोग खुद को बेहतरीन बनाने के लिए आप किस तरह से कर सकते हैं, इस बात पर सोच विचार अवश्य करें। और शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के प्रति अति आपको सफलता मिल सकती है। प्रेम विवाह से संबंधित परिवार में मंजूरी मिलना थोड़ा मुश्किल होगा और लो बीपी की समस्या तकलीफ दे सकती है। दी है आपने क्या खोया है, इस बात से ज्यादा आपके पास फिलहाल कौन से स्रोत है थे और क्या बातें हैं, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अपने समय का सदुपयोग करके काम से संबंधित प्रगति हासिल करने की कोशिश करें। उन लोगों के द्वारा हो रही टिप्पणी का असर खुद के मन पर अधिक न होने दें। काम की जगह गए आपके काम से संबंधित लोगों के साथ आपका बर्ताव सुधारने की आवश्यकता होगी। आपके अंदर ब्रांच रहा ईगो रिलेशनशिप कोडोट खत्म कर सकता है रहा है और आँखों से संबंधित समस्या आपको सता सकती है। और मित्रों, पुरानी बातों को छोड़ दर्ज कर आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखेगा के साथ ही थी मित्रों, तो आपके साहस द्वारा कठिन परिस्थितियां भी आपके सामने आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक और रिलेशनशिप से संबंधित आपके विचार घर वालों से नाम मिलने के कारण वाद विवाद बड़े अच्छे सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखे के साथ रहा था मित्रों, आपने जीवन में अभी तक जो कुछ भी पाया है उसके बारे में मैं आज सोच विचार हो सकता है। आया मित्रों, हमारे गुरु जी कहते हैं कि जीवन में चुप रहना और अपने काम में लगे रहना एक कला है रहा है। इस संसार में जिसको भी आगे आ गया वह बिना किसी आवाज की बुलंदियों पर पहुंच गया। मित्रों, अपने जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, आएगा आप क्या करते हैं, जो करते हैं बिल्कुल शांत मन से करिए, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपके परिणाम लोगों को दिखाया जाएगा। कभी भी ज्यादा भी किसी बात का बोल बचन न करे, अर्थात अपना ज्यादा से ज्यादा दिखावा बिल्कुल न करे, क्योंकि मेहनत न हमेशा खामोशी से की जाती है और शोर कामयाबी है चाहती है। है गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। आएगा गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। रहेगा आपके द्वारा लिए गए निर्णय का असर आपकी सोच और परिवार के लोगों पर भी हो सकता है तो निर्णय जटिल हो सकता है रहा है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार जरूरी भी है। इसलिए लिए मन में किसी भी प्रकार की निराशा न रखें, क्योंकि निराशावादी इंसान हमेशा जीवन में दुखी ही रहता है रहा है। तो जब आपको निराशा महसूस होने लगे तो आप सकारात्मक
सोच रख कर कर आगे की तरफ ध्यान दे। विदेश से संबंधित काम अचानक से आगे बढ़ने से आपको फायदा प्राप्त हो सकता है। रिलेशनशिप से संबंधित नाराजगी की चर्चा पार्टनर के साथ करे करे और किडनी से संबंधित तकलीफ आपको हो सकती है दी है, तो ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि लापरवाही बरत कर तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह ले ले और निवारण करे करे और जीवन में अपेक्षा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेना देना दीदी देख सकते हैं। पर है परिवार के लोगों की आपके प्रति बरत रही नाराजगी दूर हो सकती है, तो साथ में जो आपके व्यक्तिगत दायरे हैं उन्हें भी परिवार के लोगों के समझ पाएंगे। काम से संबंधित उत्साह धीरे धीरे बढ़ने लगेगा आएगा और अपनी जिम्मेदारियों को एक एक करके की पूरा करने की कोशिश करे करे। कठिन समय में पार्टनर का साथ देना अति आवश्यक होगा, क्योंकि कभी कभी होता यह है कि कठिन समय में आपको किसी की जरूरत पड़ सकती है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी का साथ देंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो भगवान भी आपको उसका दोगुना देंगे। काम से ध्यान रखिएगा आएगा कि कठिन समय में आपको थोड़ा सा सूझबूझ भी रखना होगा। अपने आप पर थोड़ा नियंत्रण बनाए अपनी भावनाओं को लोगों के सामने प्रकट करते वक्त समय कठिनाइयां महसूस होगी तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है ना है। जब तक आप अपनी तकलीफों के बारे में बात नहीं करेंगे, अन्य लोगों के द्वारा रखी हुई अपेक्षाएं कम नहीं होगी। अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है रहा है। आखिर कौन सी समस्याएं हैं, किसी समस्या है और आपको यह समस्या कहां पर रोक रही है। करियर से संबंधित प्राप्त हुआ नया अवसर आपके जनसंपर्क को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और आपकी उम्र से छोटे व्यक्ति से आपको लव प्रपोजल प्राप्त हो सकता है। मित्रों, उत्तरोत्तर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा और मित्र से प्राप्त हुए सुझाव आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। परिवार के किसी व्यक्ति के लिए आपको नाराजगी महसूस हो सकती है, लेकिन यह केवल उनके लिए रखी हुई अपेक्षाओं के कारण है। इस बात को समझने में वक्त लग सकता है रहा है। काम की वजह से बड़ा फायदा आपको प्राप्त हो सकता है, तो परिस्थिति को मजबूत बनाने के लिए आपको प्रयत्न बढ़ाने होंगे और लव रिलेशनशिप में स्थिरता महसूस होने लगेगी। जैसी स्थिरता चाहते हैं, तो वैसी ही स्थिरता आपके जीवन में आने वाली वाले सिरदर्द और सिर में भारीपन महसूस हो सकता है रहा है। भौतिक सुखों के पीछे भागने से केवल आर्थिक परिस्थिति में ही सुधार नजर आ रहा है और जीवन शैली नहीं सुधरती हुई नजर आ रही है। मित्रों, उपरोक्त कुछ समय मन की शांति प्राप्त करने के लिए निवेश करेगा। जब तक खुद की भावनाओं को आप समझ नहीं पाएंगे, तब तक किसी न किसी प्रकार की निराशा महसूस होती रहेगी। स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों को बड़ा फायदा प्राप्त हो सकता है और फिर भी किसी भी प्रकार की रिस्क लेने से आपको बचना होगा। बेकार के प्रेम संबंधों को बढ़ावा देने से हानि का सामना करना पड़ सकता है रहा है। पेट में आपको जलन महसूस होगी और कुछ न कुछ नए काम करने की कोशिश करते रहे। परिवार के लोगों की मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति की इच्छा क्या है? और वह किस हद तक अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, इस बात को भी समझना होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होता है रहा है। ऐसे में आपको व्यक्तियों को परखने की आवश्यकता होती है। नेचुरल प्रोडक्ट से जुड़े हुए लोगों को योग्य व्यक्ति का साथ मिलने से काम का विस्तार विदेश में किया जा सकता है। का विवाह से संबंधित निर्णय जल्दी आगे बढ़ेगा आएगा और पेट में बढ़ती हुई गैस तकलीफ का कारण बन सकती है दी है। मित्रों, जिस तरह का निर्णय आप ले रहे हैं या जो भी योजना बनाने वाले हैं, उसे अमल में लाते समय में भविष्य से संबंधित हर एक बात सोचकर ही आगे बढ़ी लड़ी और कार्य की गति आपको कम महसूस होगी। लेकिन आप योग की दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए केवल सतर्कता बनाए रखे। सतर्कता बनाए तो रखे, लेकिन सावधानी भी आपको रखनी होगी।
मित्रों, उपरोक्त रियल एस्टेट से निवेश करने वालों को बड़ा फायदा प्राप्त हो सकता है और रियल एस्टेट से संबंधित कामों को आगे बढ़ाने की भी आपको कोशिश करनी होगी। होगी आपका विवाह मनचाहे व्यक्ति के साथ, आप जल्दी ही तय हो सकता है रहा है। अब मन में उत्पन्न हो रही निराशा को दूर करने की कोशिश करें। दिन जो है समय ही आपके लिए लाभदायक साबित होगा। होगा परिवार में खुशियों भरा माहौल बना रहेगा। रहेगा आपका भाग्य अचानक से बदल सकता है, और हर प्रकार के जो भी सपने ने अभी तक आपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने का भी समय आ गया है। हर प्रकार के अवसर का पूरी तरह से फायदा उठाने की कोशिश करें। एक और कोर्ट कचहरी संबंधित मामले में आसानी से सुलझ नहीं लगेंगे। मित्रों, उत्तरोत्तर पार्टनरशिप में किए गए व्यापार लाभदायक साबित होगा। होगा लेकिन यह पार्टनरशिप से लंबे समय तक नहीं चले गए, लेकिन विवाह से संबंधित निर्णायक ने भले ही आपकी मर्जी के अनुसार हो रहा हो, फिर भी परिवार के लोगों की अपेक्षाओं को समझने की कोशिश करें और परिस्थिति जटिल और कठिन महसूस होगी। होगी केवल अपनी मेहनत के जरिए ही जीवन में बदलाव ला सकते हैं, इसलिए लिए मेहनत करने से ना डरे रही, क्योंकि जो इंसान मेहनत करने से डर जाता है वह अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता है रहा है। आपकी कार्य क्षमता कम हो रही है तो लोगों का साथ प्राप्त न होने की वजह से ऐसा हो रहा है रहा है। दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर ले और कमेंट बॉक्स में 3 बार राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। देगा यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो गई हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखकर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।